लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। झुनझुन प्रसाद चतुर्वेदी जी एडवोकेट का घर कहाँ है, बता सकते हैं? इस गली में पांचवा मकान। अच्छा, धन्यवाद। चलिए। राम प्रसाद जी, बस यूँ समझ लीजिए कि लड़का जो है वो हमारा हीरा नहीं बल्कि कोहिनूर हीरा है। जी शुक्रिया। बड़े नसीब वालों को मिलता है ऐसा शिष्टाचारी आज्ञाकारी सपूत मिलता है। इसी साल हिंदी साहित्य में एमए कंप्लीट किया है। वाह, क्या बात। हम तो चाह रहे थे कि वो आईएएस वाईएएस बन जाए, लेकिन इसको अपनी मातृभाषा हिंदी से बड़ा प्यार है। बहुत अच्छा। तो कहने लगा कि हम तो प्रोफेसर बनेंगे हिंदी के, तो हमने कहा बन जाओ। लेकिन आजकल के यंगस्टर्स की तरह नहीं है नशे पत्ते करने वाला, एकदम आदर्श लड़का है। अरे दुनिया वालों, जरा भी न समझो, मैं पिता नहीं हूँ। बेटा, ये आपके ससुर हैं, नमस्ते करो। ओ ससुर जी, ससुर जी नमस्ते। बस ठीक है, ठीक है। धोती एंड शूज। अच्छा, तो ये हैं आपके होनहार, शिष्टाचारी, आज्ञाकारी सपूत। वो
राम प्रसाद जी ऐसा है कि हमें तो बस क्षमा कीजिएगा चतुर्वेदी जी, इतना भारी भरकम चरित्र वाला महान आदर्शवादी दामाद हमें नहीं चाहिए। चलो जी। राम प्रसाद जी आप बात सुनिए, देखिए आप बात समझिए, समझ रहे वैसा है नहीं, आपको भगाना चाह रहा है। राम प्रसाद जी, राम प्रसाद जी आप मेरी बात। हर बार वही तमाशा। हमारे खानदान में आज तक किसी ने शराब तक नहीं सूंघी, पर ये तो ऐसे कर रहा था जैसे कि पूरा का पूरा खानदान शराबी। हम कहां सूंघे, ये हमारे घर में कैसे पैदा हो गया? इसे तो किसी नौटंकी वाले के यहां पैदा होना चाहिए था। सुनो जी, इसको बोल दो सुधर जाए, नहीं तो जिंदगी भर निठल्ला कुंवारा बैठा रहेगा और बुढ़ापे में कोई खाना देने वाला तक नसीब नहीं होगा। जब देखो वकालत झाड़ते रहते हैं। नालायक। मम्मी हम कहां कुछ किए हैं? चुप रह। हर बार का यही काम है तेरा। क्या रे बिच्चू? कैसा है? अरे नमस्कार वकील साहब। पान मरो, पान मरो। अभी अभी ये ले। चलते हैं, हिसाब में लिख लेते। ठीक है ठीक है। नमस्ते। कैसे हो? एकदम बढ़िया अंकल जी, आप सुनाइए कैसे हैं? हम ठीक हैं। वो कैसा हमारा राजा बाबू? वो भी पहले जैसा है, तुम तो बचपन के दोस्त हो उसके, समझाते काहे नहीं हो उसको। कोई ड्रामा कर दिए हमरे राजा बाबू लगता है। क्या बानिए, पतंग नहीं उड़ रही है तुमसे? नहीं मामा, ये पतंग आपसे भी नहीं उड़नी, आपको तो सिर्फ एक ही चीज उड़ाने आता है ना। अच्छा वो क्या? नाना जी का मजाक। तुम्हारे कान के नीचे तुम्हारे। लो पकड़ो। सही कहते हैं, ममर के घर पे बच्चे लमर हो जाते हैं, पकड़ो। पर ये तो सही है ना मामा कि आप नाना जी का बार बार मजाक उड़ाते? भांजी हम उनका मजाक नहीं उड़ाते, वो खुद ही तंगी के शिकार है। इधर आओ। जानते हो हर देश का हर घर का एक इतिहास होता है, ऐसे हमारे घर का भी एक सड़ा हुआ इतिहास है। पूछो किस चीज का? किसका? अरेंज मैरिज। मतलब तो ताड़ की तरह साफ है कि हम करेंगे तो लव मैरिज, यानी प्रेम विवाह। प्रेम विवाह का भूत सवार है आपके लाट साहब पर। तो इसमें हर्जी क्या है? अगर उसका मन है तो कर लेने दीजिए। अरे विवाह से पहले प्रेम करना जरूरी है, विवाह के बाद प्रेम नहीं हो सकता। हुआ आपको? तो लड़का का मुंह देख के हुआ। इसे प्रेम कहते हैं? नहीं, हमको तो बात समझाइए कि विवाह से पहले प्रेम करना जरूरी क्यों है, और दूसरी बात, प्रेम विवाह के लिए ना कम से कम एक लड़की की जरूरत होती है, जो आपके सबूत के बस की बात है नहीं। और तीसरी और आखिरी बात, अगर ये प्रेम विवाह हुआ तो हमको ये मंजूर नहीं है। लुक कर लो बात, कितने अजीब आदमी है आप, चित भी मेरी पट भी मेरी, हर बात अपनी बनवाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना राजा, हर वक्त वकालत झाड़ते रहते हैं। सुनिए, हमारे खानदान में जो आज तक नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा। बढ़िया है खानदान वाले, इतने सालों में मैं देखी नहीं हूँ ना खानदान को, पता नहीं क्या है इस खानदान में। चाय बनाई है। चोरी नहीं की। क्या मामा जी, अगर आप शादी कर लिए होते तो आज ये सारा काम मामी कर रही होती, आपको तो इतना आराम होता ना। अरे भांजे उसके लिए लड़की तो होनी चाहिए ना। नाना जी ने तो लड़की देख ली थी पर आपने तो रिजेक्ट कर दिया। अरे हमें ना नाना जी की पसंद की लड़की से शादी नहीं करनी है, अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी है। और इतना ही शौक है उन्हें लड़की ढूंढने का, तो उन्हें बोलिए कि अपने लिए ढूंढ ले और कर ले दूसरी शादी। तो आप अपनी पसंद की लड़की से कर लीजिए। अरे भंदुमल उसके लिए लड़की तो होनी चाहिए ना, और लड़की कोई हलवाई की दुकान की रसमलाई नहीं है कि गए और देखे और बोले कि हाँ भैया ये वाला दे दो, पैसे दिए और गप से मुंह में डाल ली। तुम्हारी मामी सुशील संस्कारी और थोड़ी सी सुंदर तो होनी चाहिए ना, हैं? आलिया भट्ट की तरह उसकी नाक तो होनी चाहिए ना, हैं? मतलब आपके लाइफ में कोई लड़की नहीं? अरे यार तुम तो हमारे पीछे ही पड़ गए हो कपड़े धोके। लो
लड़की तो होनी चाहिए ना लाइफ में। अरे लड़की 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 लड़की, जाओ जाके बोलो अब मम्मी से कि हमारे लिए अदरक वाली चाय बनाए, हम अभी आते हैं। लड़की लेके तुम इधर से जाते हो या हम मारे चप्पल उठा के तुम्हें? कहा चाचा, कोई खास खबर छपा है का? हाँ है ना, बताइए ना। झारखंड की आयरन लेडी दुर्गा मंडल, दुर्गा मंडल का अभियान शराब छुड़ाओ समाज बचाओ। आती है मेरी कमाई का और बात इन लोगों की सुनती हो? कौन होते हैं ये लोग मेरे शराब की दुकान और शराब बंद कराने वाले? और तू मेरी बीबी होकर इन लोगों की मंडली में शामिल होती है? निकल, रुक जाइए। कमा कर खिलाता है तो एहसान करता है इस पे? हाँ? शादी करके लाया है, खरीद कर नहीं लाया, समझा? शुक्र कर अब तक इसने कुछ किया नहीं या बोला नहीं, वरना हमारे देश में ऐसे भी कानून है स्त्रियों के लिए कि तू अब तक सुधर गया होता। माफी मांग इससे। चलो ये देखो, यहाँ एक भी नहीं है और ये दो दो लेके घूम रहा। ढूंढता अरे आई 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 आई, हेलो हेलो। बात भी नहीं करना आता है, लगता है बॉलीवुड ही कुछ कल्याण करवाएगा। लव के लिए साला कुछ भी करेगा। एक्सक्यूज मी, बोलिए। ये अच्छी तो फिल्म है ना? मैं भी पहली बार आई हूँ। ओह पहली बार आई है? कॉर्नर सीट लेने क्या? ओह लाइन मार रहे हो? नहीं हम तो पूछ रहे हैं। हाँ? मैं एक बच्चे की माँ हूँ। धत तेरे की। योर ऑनर, कटघरे में खड़ा ये इंसान 55 साल का है और ये लड़की सिर्फ 28 साल की, लेकिन इस शख्स ने फेसबुक पे चैटिंग करते हुए इस लड़की को अपनी एज 35 साल बताया था और पिछले 8 महीनों से ये अपने यंग एज का फोटो दिखा दिखा करके इस मासूम लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी के सपने दिखाता रहा। और लड़की जब अपने घर से चोरी छिपके भाग करके इससे मिलने पहुंची तब इसकी असलियत पता चली। तब इसने कहना शुरू कर दिया कि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। लड़की इतनी आहत हो गई थी योर ऑनर कि वो रेल की पटरी पर आत्महत्या करने वाली थी। वो तो ठीक टाइम पर कुछ भले लोगों ने इसे समझा बुझा कर बचा लिया। लेकिन माय लॉर्ड, एक चीज समझ में नहीं आती कि फेसबुक में शादी ब्याह की बात कैसे हो सकती है और कोई व्यक्ति फेसबुक में किसी का इतना दीवाना कैसे हो सकता है। अरे हाँ, फेसबुक पर कोई शादी की बात कैसे कर सकता है? माफ कीजिएगा योर ऑनर, आपने कभी फेसबुक चलाया है? फेसबुक नहीं, क्यों? योर ऑनर, जब आपने कभी फेसबुक चलाया ही नहीं तो आपको कैसे पता? और वकील साहब, आपने? जी नहीं, मैंने भी कभी नहीं चलाया। और आप ऐसे मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं जबकि आपको फेसबुक के बारे में कुछ पता ही नहीं? योर ऑनर, मैं अपने मुवक्किल के लिए इंसाफ चाहता हूँ ताकि आगे से कोई भी फेसबुक का दुरुपयोग नहीं कर सके। अदालत अगली सुनवाई के लिए मुलतवी की जाती है। हर किसी को खलना चाहिए। Love is not मामा जी, मामा जी, मामा जी, देखो मैंने सलमान खान का हैप्पी बर्थडे विश किया था ना, तो उन्होंने थैंक्स बोला और साथ साथ में ये भी लिखा है कि गॉड ब्लेस यू। अब तो सलमान अपना दोस्त बन गया है। तुम कब से फेसबुक पे आ गए? जब से नाना जी ने स्मार्टफोन लिया ना तब से। और मैंने आपका भी प्रोफाइल चेक किया है, टोटल 143 फ्रेंड्स और 43 तो गर्ल्स है। अबे तू बड़ा डेंजर आदमी, हमारी अभी प्रोफाइल चेक करता है? मामा जी मेरा कान छोड़ दो वरना मैं नाना जी को सब कुछ बता दूंगा कि आपका फेसबुक में क्या चक्कर चल रहा है, इसलिए आप शादी नहीं कर रहे। और वो 43 गर्ल्स नहीं है, सब फेक अकाउंट है, सारा लड़का लोग है। चल भाग यहाँ से। और मामा जी एक चीज याद रखना, अगर लक अच्छा हो ना तो फेसबुक पे सुंदर सुशील संस्कारी भी लड़की मिलती, समझे? तू जाता है हमारे? तुम्हें जा रहा हूँ। सुंदर सुशील, देखो ऐसा है कि तुम्हारे मामा के यहाँ से फोन आया था। उन्होंने एक लड़की देख के रखी है, बीएससी पास है, देखने में भी सुंदर है। एक काम करो, उसको देखाओ तो हम बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ,
पापा आप समझ नहीं रहे हैं, हम अभी शादी नहीं करना चाहते हैं। नहीं, हम सब समझ रहे हैं। तुम्हारी उम्र के लड़कों के दिमाग में गोबर भरा है, गोबर। वो सोचते हैं कि जो सोच रहे हैं वही राइट है। क्या तुम भी? अरे देख, इकलौती औलाद होने में यही प्रॉब्लम है, समझ रही हैं आप? आप भी तो समझने की कोशिश। चाचा प्रणाम। क्या समझे? अरे पलटू बेटा, आओ 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 बैठो। कपड़े लाए हो? हाँ ले आए। हाँ वेरी गुड। वो जो आप कुर्ता दिए थे वो वाला? हाँ वो भी लाए। एक दो तीन चार। अब शादी कब कर रहे हो? हाँ अरे आप भी ना। चाचा आप तुम्हारा नेचर जानते ही हैं। वो बाबूजी गांव गए हुए हैं, वहाँ हमारे लिए एक तो लड़की देखे, हमें फोन भी किया हमारा राजी खुशी जानने को। वो हम तो कह दिए कि जो माही बाबूजी का आदेश वही भगवान का आदेश। देखो इसको कहते हैं औलाद, आज्ञाकारी बेटा। अरे चाचा एक हमारे वो हैं। पापा आज आपका स्कूटर ले जाएं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। पकड़ो हमारे। चाचा हम भी चलते हैं। प्रणाम प्रणाम चाची। छोड़ते हैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल। अरे भाई भाई और कोई काम धाम ही नहीं है। हमको भी ले चलो। हाँ ले चल ले यार। हाँ बैठो। चलो तुम्हें ज्यादा पड़ी रहती है हमारे पापा के सामने बोलने। वो तुम्हारा घर बस जाएगा यार। करके ही दम लेते हैं क्यों? दोनों हाथ एक साथ दिखाइए। कैसे? ऐसे। हाँ। आपके हाथों में तो चांद बन रहा है। हैं? कहाँ? चांद सी महबूबा मिलेगी आपको। चांद सी महबूबा? हाँ आपके हाथों की लकीरें बता रही हैं कि 99% आपका लव मैरिज ही होगा। अरे वाह। और... अब, 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 बस और हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हाँ हम चलते हैं। तो चलते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो काश आप हमारे पापा होते। देखिएगा लव मैरिज करके ही आएंगे, आसान ही रास्ता है ना। हिंदी साहित्य में छायावाद के चार कवि हुए हैं, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। पौरुषोज के कवि रामधारी सिंह दिनकर और हालाबाद के कवि हरिवंश राय बच्चन। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी का स्थान कहीं और है। गुप्त जी को हिंदी का पालनहार कहा जाता है, जिसको ना निज गौरव ना निज देश का अभिमान हो, वो नर नहीं नर पशु निरा है या मृतक समान है, जिसको अपने आप पर कोई गौरव नहीं, जिसको अपने राष्ट्र के प्रति कोई अभिमान नहीं, वो मनुष्य नहीं है, वो मरे हुए व्यक्ति के जैसा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं सर। सर फेसबुक? सॉरी सर। हिंदी कक्षा में तुम लोग फेसबुक कर रहे हो? नहीं सर। मैं आप लोगों के पिताजी को फोन करूंगा। नहीं सर, सर मत कीजिए सर। कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं हिंदी साहित्य के क्लास। नहीं सर, गलती हो गई सर। घर पर मत करिए सर। बैठिए बैठिए। सॉरी सर। आप जैसे विद्यार्थियों की वजह से ही आज देश में हमारी ही भाषा हिंदी की ये हालत है कि हिंदी की कक्षा में बैठ कर आप लोग फेसबुक में लगे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल। ओहो मामा बड़े खुश नजर आ रहे हो। भांजे हाथ जोड़ो। अबे ऐसे नहीं, हथेलियां जोड़ो। क्यों? अबे तुम्हारा तो उल्टा चांद है, तुम्हारी शादी तो लड़के से होगी। चांद से महबूबा होगी मेरी, कब ऐसा मैंने। हैप्पी बेटा, उस दिन तुम हमें कुछ फेसबुक के बारे में बता रहे थे, ये फेसबुक है क्या? फेसबुक? हाँ
यही कि फेसबुक के आने से इतनी बड़ी दुनिया अब इतनी सी हो गई। यहाँ बैठे बैठे हम देश विदेश कहीं भी किसी से भी कनेक्ट कर सकते। अच्छा हाँ, तो ये कनेक्ट करते कैसे हैं ये बताओ हमको। देखिए नाना जी, पहले हम फेसबुक के ऐप में जाएंगे, फिर यहाँ पर आएगा क्रिएट न्यू अकाउंट, ठीक है? एक मिनट, हाँ क्रिएट अकाउंट आया। फिर इस पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इधर हमारा डालना पड़ेगा नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और फिर लास्ट में आएगा पासवर्ड। अच्छा, फिर ये नाम डाल दिया। और पासवर्ड कैसा भी डाल सकते, किसी का भी, कोई भी नाम। हाँ हाँ ठीक है। फिर ये आया, क्रिएट किया, क्रिएट अकाउंट, फिर ये मेरा बन गया। फिर अब इसके बाद मैं अपने फ्रेंड का नाम डालूंगा, रोहन। ये रोहन डाला, ये फ्रेंड है तुम्हारा? हाँ फ्रेंड। अच्छा। और फिर मैंने किया ऐड फ्रेंड, और फिर हम बन गए फ्रेंड। अच्छा, तो हम किसी को भी दोस्त बना सकते हैं? किसी को भी, माने जिसको जानते हैं उसको भी, जिसको नहीं जानते उसको भी। हाँ। अच्छा, नमस्ते वकील साहब। वकील साहब, रामपुर वाले प्रोफेसर साहब आपको ढूंढ रहे थे। अच्छा, अभी किधर हैं? अभी वही पास वाले कैंटीन में है वे। अच्छा अच्छा। वकील साहब, हम लोगों ने बच्चों की शादियां तय कर दी, लेकिन बच्चों की शादी होगी कैसे? देखिए, आजकल ये फेसबुक का बड़ा चलन है। फेसबुक? जी हाँ, जिसको देखो फेसबुक पे लगा हुआ है। अरे कचहरी में केस चल रहा होता है, लोग फेसबुक में लगे होते हैं। मेरे क्लास में भी यही हो रहा है वकील साहब। मैं हिंदी साहित्य पढ़ा रहा होता हूँ और विद्यार्थी फेसबुक पर चैटिंग कर रहे होते हैं। मन तो करता है कि अब क्या बोलूं, ये फेसबुक कहाँ से आ गया पता नहीं। अरे ये तो मुझे भी पता नहीं था कि भला क्या है, तो मैंने अपने नवासे से पूछा, तो उसने मुझे पूरा चिट्ठा खोल के दिखा दिया कि भाई ऐसे एप्लीकेशन में जाइए, ये फेसबुक का नया अकाउंट खोलिए, फिर पासवर्ड डालिए, आप दुनिया में कहीं भी किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अरे बहुत देर लगा दी आज। अरे कहा बताएं, कचहरी के बाद पांडे जी से मिलने चले गए थे। 3 दिन से हम कह रहे हैं कि बैठेंगे बैठेंगे, तो कहते थे कि भैया उस साहू जी दुकान बंद होने के बाद बैठा लेते हैं, मीटिंग वीटिंग करने लगते हैं, तो हमने कहा ठीक है चलो हम बाद में। तो वहीं रह जाते ना, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना लगा दें। रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट हुई है, मैसेंजर पे जाते हैं। ये तो हरी बत्ती दिखा रहा, यानी कि वो ऑनलाइन है कुमारी भाभी, मैसेज करते हैं। हाय, हाउ आर यू? अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा है, तो थोड़ा समय देते हैं, ज्यादा एक्साइटमेंट अच्छा नहीं होता है राजकुमार चतुर्वेदी। पापा हम बता रहे हैं, हम लव मैरिज करके रहेंगे। हाय, आई एम देयर। क्या लिखे? हाँ ये पूछते हैं, अपना परिचय दे। लिख रही है, लिख रही है, लिख रही है। हाँ आ गया, आई एम बॉबी, आई एम फ्रॉम झारखंड। अरे वाह, तो इनको लिखते हैं आई एम राजकुमार चतुर्वेदी, आई एम ऑल्सो फ्रॉम झारखंड और आई एम एम ए इन हिंदी। हम भेज देते हैं। लिख रही है, लिख रही है। नाइस टू मीट यू। अरे वाह, हमको भी सेम। पढ़ लिया, अब क्या लिख रही है? वेलकम, थैंक यू, हमारा ख्वाब सच हो गया, लगता है हमारा लव मैरिज होने वाला है। पापा, कैन वी एक्सचेंज आर नंबर्स? भगवान भगवान भगवान, पढ़ लिया, वाह, लिख रही है, लिख रही है, लिख रही है, लिख रही है। सॉरी, सुबह में बात करते हैं। पापा इज कॉलिंग, सुनिए ना। लाल बत्ती हो गई।
यार बहुत अंग्रेजी बोलती है। लिखते आई एम फाइन टू। पूछ लें आप, हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। आजा आजा जवाब जा। हाँ क्या, कैसे? अगर संभव हो तो मैसेंजर पर कॉल कर सकते हैं। ओके। हाय हाय, बॉबी जी बोल रहे हैं? कुमारी बॉबी जी। हाय, हम राजकुमार चतुर्वेदी बोल रहे हैं, आई मीन हिंदी। जानते हैं। आपने अपना फेसबुक प्रोफाइल पर कैटरीना का फोटो क्यों लगा रखा है? क्यों, आपको कैटरीना पसंद नहीं है? करीना का लगा दे। नहीं 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 भाई, हमको तो बॉलीवुड हीरोइनों से बहुत डर लगता है। हम बहुत ही सिंपल और शरीफ आदमी हैं। हम वैसे आपको एक बात बताना चाहते थे, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमने ना आपका पूरा फेसबुक प्रोफाइल छान मारा, लेकिन उसमें आपका एक भी फोटो नहीं है। हमें सोशल मीडिया पे अपना फोटो शेयर करना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाय वाह, संस्कारी है जी? नहीं, वो हम कह रहे थे कि हम ना आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपका परमिशन हो तो। बोलिए ना। हम जानना चाहते हैं कि आप दिखती कैसी हैं। सच सच बताएं, भूतनी की तरह। अभी ना बोल। तो फिर इस भूतनी के दर्शन कब होंगे? दिल्ली अभी दूर है बॉस, टाइम लगेगा। अच्छा हम आपसे एक बात पूछे। पूछिए ना। सच सच बताएंगे? कसम से। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? हमारी ऐसी किस्मत का। पर अब लग रहा है कोई मिलने वाली है बहुत जल्दी। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा अब हम आपसे अगर कुछ पूछे सेम टू सेम। हमारा बॉयफ्रेंड कहाँ से होगा, छोटा सा तो शहर है हमारा, और वैसे भी यहाँ का कल्चर दिल्ली मुंबई जैसा थोड़ी ना। कौन सा शहर है झारखंड में आपका? हम क्यों बताएं? और ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बातें होती है ना, ये हमें समझ ही नहीं आती। वाह, सुशील भी है जी। हम सोच रहे थे कि अगर अगर कोई बॉयफ्रेंड टाइप अगर मिल गया तो तब की तब देखेंगे। अच्छा हम जा रहे हैं, बाय। सुनिए ना। सुनाइए ना। हम वीडियो कॉल करें? हेलो बॉस, ये जो आपको टेक्स्ट मैसेजेस का रिप्लाई मिल रहा है ना, ये मिलना भी बंद हो जाएगा। ये मिस्टेक मत करिएगा, बता रहे हैं आपको, लकी समझे आप खुद को। आप गुस्सा मत करिए ना, देखिए जब कोई गुस्सा करता है ना तो उसका बीपी हाई हो जाता है, फेस रेड हो जाता है, गाल फूलकर गोलगप्पा हो जाता है। काफी एक्सपीरियंस नजर आ रहा है आपकी बातों में, किस लड़की को क्या बोलना ना अच्छे से जानते हैं आप। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा हम जा रहे हैं, बाय। अरे सुन, काट दिया, कितना भाव खाती है लड़की। राजकुमार चतुर्वेदी, पूरी जिंदगी डोमिनेट करेगी ये लड़की। आ गया फोन, आ गया। नहीं, अब हम भी थोड़ा सा भाव खाएंगे। जी बोलिए। हम ना आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। आप हमें बड़े अच्छे लगे। क्या? आप हमें बड़े अपने से और बड़े सच्चे से लगे। क्या? सच्चे? हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ बड़े नटखट है। बाय। सुनिए ना, ये तो बता दीजिए कि कितना। जब मिलेंगे तब बताएंगे। बाय। काट दिया। जब मिलेंगे यानी कि बॉबी जी हमसे मिलना चाहती हैं। मिलना चाहती हैं बॉबी जी, मिलना चाहती हैं हमसे।
तुम्हें सोचा तो हुआ एहसास प्यार का, दिल ने जिक्र किया हर बार आपका, शक्कर से मीठा हर ख्वाब आपका, हर वक्त छाया रहे खुमार आपका। नशा हो गया तेरे प्यार में दीवाना, मैं हो गया हम। तेरी अनकही बातें मैं सब जानू, तेरी बेमानियां मैं ना जानूं। तू है कहां पर मेरे हमनशीं, तू है कहां पर मेरे हमनशीं, पास क्यों आती नहीं, है ये परेशान दिल मेरा, क्यों सामने नशा हो गया तेरे प्यार में दीवाना, मैं हो गया। तेरा चेहरा देखा तो नहीं, तेरी सीरत मगर मैं पहचानूं, जिस्म ही सब कुछ होता नहीं, जिस्म ही सब कुछ होता नहीं, रूह से मैं चाहूं, है ये परेशान दिल मेरा, क्यों सामने नशा हो गया तेरे प्यार में दीवाना, मैं हो गया हम। कमाल की बात है, तुमको तुम्हारी दुल्हनिया मिली भी तो फेसबुक पे है बस। तुम धन्य हो, जय हो बाबा। अरे यार अब तुम मजाक मत उड़ाओ। मजाक नहीं उड़ा रहे भाई, हम बताओ ना तुम्हारे ख्याल में हम ठीक कर रहे हैं। अरे भाई तुम पढ़े लिखे आदमी हो, हम ठहरे पांचवी फेल प्रेस करने वाले आदमी, तुम एम ए बी ए पास हो, प्रोफेसरी की तैयारी कर रहे हो, तुमसे ज्यादा थोड़ी ना जानते हम। सही कर रहे हो तुम। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम आइंस्टाइन बन गए हैं पढ़ लिख कर, और दो चार आविष्कार जो है ठोक दिए हैं। अरे नहीं ठोके तो ठोक दोगे भाई, तुम देश का भविष्य हो, तुम नहीं ठोकोगे तो कौन ठोकेगा। पलटू हम तुमसे राय मांग रहे हैं, ओपिनियन मांग रहे हैं। कहाँ कहे? ओपिनियन। ओपिनियन ये अच्छा है, ओपिनियन मैंने राय। हाँ तो ऐसा करो भाई, हमारी फेसबुक वाली भाभी से कहो कि सब कोरा कोरा कागज दिखाने से काम नहीं चलेगा, अपना फेसबुक वाला प्रोफाइल में एक तो सुंदर सा ब्यूटीफुल सा फोटो चिपकाए। हाँ। पर यार अगर उसने मना कर दिया तो? अरे मना कर दिया तो क्या हो गया भाई, कुंभ का मेला थोड़ी ना है जो 12 साल बाद आएगा, दूसरी के पीछे जाओ। ऐसे क्या कर रहे? आज कपड़ा आयरन किए थे। किए थे
तो क्या गर्म लोहा अपने सर पे भी रख लिए थे? जो हर जगह से भाप छोड़ रहे हो वो भी बदबूदार। ठीक है भाई, देख रहे हम कैसे दोस्त बदल जाते हैं। अभी तो लड़की ठीक से जीवन में आई भी नहीं और सुर बदल गया तुम्हारा। अरे, कमाल करते हो। ठीक है ठीक है। अरे अब ऐसा करो, जब तक भौजाई जो है फेसबुक प्रोफाइल पे अपना फोटो चिपका नहीं देती तब तक प्रभु तुम करो इंतजार। और क्या मांग रहे थे अंग्रेजी में? ओपिनियन। ओपिनियन आगे से हमसे ओपिनियन नहीं मांगना, ठीक है? जय राम जी की। अरे जा रहे कपार पे अपने लुहा रखने, ठीक है? अरे पलटू तुम नाराज मत हो, हम तुमसे ही तो मांगते हैं, तुम नहीं दोगे तो कौन देगा? ओ पलटू। बोले फोटो के लिए। हेलो बॉबी जी। हाँ जी। इतनी रात को कैसे याद किया? मेरा मतलब कैसी हैं आप? I'm fine. And you? I'm fine too. और कैसे याद किया इतनी रात को? बस ऐसे नींद नहीं आ रही थी। अच्छा नींद नहीं आ रही थी, अच्छा शगुन है क्या? हम भी आपको ही इमेजिन कर रहे थे। अच्छी बात है बॉस, इमेजिन करते रहिए, सफलता मिलेगी जिंदगी में। होप सो। और क्या पसंद है आपको? हमें फिल्में देखना पसंद है। आपको फिल्में देखना पसंद है? हाँ। आप हीरोइन बनना चाहती हैं? वो तो हम पैदाइशी हैं। लेकिन हमें ना फिल्में वॉच करना पसंद है। आपको क्या पसंद है बता दे। बताइए ना। पक्का? हाँ हमको पसंद है बॉबी एंड राज। हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हेलो। अच्छा बड़ी चंट हैं आप। हमें राजनीति पसंद है, राजनीति। आप राजनीति में जाना चाहते हैं? नहीं जाना तो नहीं चाहते हैं, पर हाँ आजकल की युवा पीढ़ी को जगाना चाहते हैं, जैसे बिरसा मुंडा ने जगाया था। क्या बात है बॉस, आई एम इम्प्रेस्ड। धन्यवाद बॉबी जी। हम सोच रहे थे कि अच्छा हम सोने जा रहे हैं। अरे बाय बॉबी जी, सुनिए ना, थोड़ी देर रुकिए ना। बोलिए ना। क्योंकि अब हमको नींद नहीं आ रही है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अब क्या बताएं। रात के 10 बजे कोई लड़की इतनी मीठी मीठी आवाज में बात करेगी तो किस लबड़गंज को नींद आएगी। बड़े रोमांटिक हो रहे आज अब राज जी। आप भी हो जाइए ना। हाँ, हमें नहीं आता रोमांटिक वोमांटिक होना। अच्छा आता तो सब है आपको, बस जताना नहीं चाहती हैं, है ना? चलिए सो जाइए। अब नहीं। क्यों? अच्छा चलिए गुड नाइट बाय। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमारे जमाने की बात और थी। अरे तब तो माँ बाप के कहने पे बिना देखे ब्याह कर लेते थे सब, आजकल बिना देखे कोई ब्याह नहीं करता है। हाँ वैसे भी हम तो चाहते हैं कि अपने बेटे के लिए परी सी दुल्हन ढूंढे। लाड साहब के ऊपर प्रेम विवाह का भूत सवार है, तुम्हारे ढूंढने से कुछ नहीं होने वाला। अरे हमारा बेटा है, हमारी बात नहीं सुनेगा? बेटा तो हमारा भी है, सुनता है हमारी बात। और पिलाओ उसको प्रेम विवाह की गुटी। अरे हम तो बस इतना कहे थे कि अब इकलौती औलाद है, अगर प्रेम विवाह कर लेता है तो हर्ज क्या है? चलिए पापा। अरे लाड साहब तैयार है। और क्या, देखिए चलिए चलो नाश्ता कर लेंगे। हाँ नाश्ता कर लेते। अरे बैठ के करना। अरे नहीं बस ऐसे ही खा लेंगे हम। अरे रमाई। हाँ भैया बोलिए ना। ये पान तो हरा होता है लेकिन इसको खाकर थूकने पर लाल काहे हो जाता है? अब ई तो हमको नहीं पता भैया, लेकिन अब इतना जानते हैं कि पान खाने वाला पान सड़क पे थूक थूक के पेंटिंग बना देता है, जिसे ई पता चलता है
कि हमारे देश के लोग साफ सफाई के लिए कितना अलर्ट है। अरे चुप कर। पीतल, तांबा, कांस, ये सब चीज वापस आ रहे हैं शहरों में भी। सब बहुत महंगा बेच रहे हैं। खैर छोड़ो, बताओ क्यों, किस लेडी के बारे में बात कर रहे थे, वो जो सबका एकदम क्लास लगा दी थी? अरे हाँ, वो तो हम तुम्हें बताना ही भूल गए। हम जा रहे थे पापा के साथ, हम सामने भीड़ देखे और हमने देखा इसकी सर की मान मोड़ देनी चाहिए। इसे जूते चप्पलों की माला पहनाकर कस्बे से बाहर निकाल देना चाहिए। पापा, ये गलत हो रहा है, इन्हें हम जानते हैं, ये रेखा रानी है। अरे भाई, घरेलू मामला होगा, ये सब पचले में हमें नहीं पड़ना, चलो। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? हाँ? अरे इज्जत करना सीखो महिलाओं की। मैडम, आप हमारे मामले में नहीं पड़े तो अच्छा है। अच्छा, एक मिनट। ये कौन है पापा? ये दुर्गा मंडल जी है। हेलो, पुलिस स्टेशन। आप लोगों के लिए ये मनोरंजन का साधन है? हाँ? शकल से ये आपको डायन दिखती है? नहीं। देखा है किसी ने डायन को? नहीं। नहीं ना? नहीं। फिर ये सिर्फ एक शब्द है, एक वहम है और कुछ नहीं। जाइए, अपने अपने घर जाइए। अरे नाम का है उस लेडी का? अरे वो पापा हमको बताए थे, उसका नाम दुर्गा मंडल, जानते हो? दुर्गा मंडल? हाँ। अरे वो तो झारखंड की आयरन लेडी है भाई। अच्छा। अरे दुनिया भर का सामाजिक काम करती है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करती। अच्छा। है जागरूकता अभियान चलाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाती, बहुत काम करती है भाई वो। तो तुम उनके साथ क्यों नहीं जुड़ते? कल्याण हो जाएगा लोहरदगा का। देखो भाई, अभी तो अपना कल्याण करना है, पेट का कल्याण करना, तुम्हारा कल्याण करना है, है कि नहीं? हाँ, करना तो है। चलो गोलगप्पा खाते हैं। हाँ? चलो टिक्की भी खाएंगे। आजा आजा, सब खिलाएंगे तुम्हें। भाई गोलगप्पा खिलाओ, पेट पूजा ना करें, खिलाओ भैया गोलगप्पा खिलाओ। हाँ भैया खिलाओ। बाह बटवा बाह, का बना रही हो तुम? राज, बहुत गोलगप्पा खा यार। राज, ए भैया, तुमको बुला रही है का? हाय। आराम से भैया। सॉरी, आप बॉबी को जानते हैं? बॉबी? आपकी फेसबुक फ्रेंड। आपको कैसे पता कि बॉबी हमारी अब भी फ्रेंड है? मैं और वो ना बचपन के बेस्ट फ्रेंड है और एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छिपाते। आप बॉबी जी की बचपन से बेस्ट फ्रेंड है? हाँ, बचपन से। पर आपको कैसे पता चला कि हम ही राज हैं? अरे आपने खुद ही तो फेसबुक पे फोटो डाल डाल के पब्लिसिटी कर रखी है, इन्हें कौन नहीं जानता। आपका नाम? हमारा नाम निशा है। बहुत अच्छा नाम है आपका, भगवान का नाम। अच्छा, इतना प्यारा नाम है कि क्या बता। निशा जी। हाँ जी। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। कीजिए ना। बॉबी जी। हाँ? दिखती कैसी? आपके जैसी। हाँ, फिर ये आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। Nice to meet you, bye. अरे निशा जी, अरे निशा जी, अरे सुनिए, चल 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 पलटू। तेरी सहेली कितना भाव खाए, हम तेरे खातिर पीछे फिर भी चले आए। रा पा 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 रा पा रा रा रा, कब दिन बीते रात छा जाए, सुबह का सूरज शाम चाय पीके जाए। इस पहली को रवा कैसे को बुझे, मेरे ख्वाबों की मलिका मिलोगी कब मुझे, मेरे ख्वाबों की मलिका मिलोगी कब मुझे, ख्वाबों की मलिका मिलोगी कब मुझे, मेरे ख्वाबों की मलिका मिलोगी कब मुझे। नमस्ते। प्रणाम चाची। अरे कहाँ गई यार? अरे पलटू, क्या हुआ, मिल गई का? अरे नहीं, वो देखो अनार का पेड़। अबे तुम अनार ढूंढ रहे हो, अपनी अनार कली ढूंढ रहे हो? अरे हम तो, हाँ चलो चलो चलो। कमाल हो यार तुम। अरे रुको यार, अरे रुको भाई, हमें लग रहा है सामने वाला मकान उसी का है। किसका मकान? ये आवाज को क्या?
भाई नहीं मिली भाई। अरे नहीं मिला, कितनी बार बोले हैं तुम अपना स्त्रीलिंग पुलिंग ठीक नहीं करते हो। नहीं मिली नहीं होता है, नहीं मिला होता है। कौन नहीं मिला, किसको ढूंढ रहे हो? वो मामा, मामा मामा को ढूंढ रहे हैं। हमारे मामा यही रहते हैं। इनके मामा जो हैं इसी गली में रहते थे, लेकिन अभी आज मकान किधर? यही यही कहीं वो आगे जो गली है ना, गली में जो हनुमान मंदिर है उसी के बगल अगल में तीसरा चौथा कोई मकान है। तो घर जो है सो मोहल्ला छोड़ के उड़ गया। पता हाँ बताओ बताओ बताओ। उड़ेगा कैसे, किराए पे रहते थे। हाँ तो किराए पे रहते थे और आज मकान। क्या नाम था उनका? बोलो। गंगा प्रसाद, मामा गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद जी। मुझे नहीं लगता कि कोई गंगा प्रसाद नाम का आदमी इस मोहल्ले में रहता है। पीछे ही पड़ गया ये। मोबाइल है? हाँ है ना, मोबाइल है ना हमारे पास, लीजिए ना। तुम्हारे मामा के पास है? हाँ बा उनके पास भी है। तो फोन लगाओ, पता करो कि घर बदल कर कहाँ गए। फोन करो, लगाओ फोन, लगाओ तुम लगाओ। हम क्यों लगाएं फोन? अरे तुम करो, तुम्हारे मामा है। देखो देखो वायलेंस नहीं है तो मेरे फोन से करो, लो। अरे नहीं नहीं अंकल, उसकी जरूरत नहीं है। अब हम समझे, तुम इसलिए घबरा रहे हो ना क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है, कूलर चला के सो रहे होंगे। तो हम एक काम करते हैं, अभी चलते हैं, एक दो घंटे बाद वापस आएंगे। चलो आ जाओ। बड़ा धन्यवाद। पीछे मत देखिए, पीछे सुनो। इधर आओ। हाँ कहिए जी। ये किसका है? ओह अरे सब्जी तो हम भूल ही गए थे, मामा के ले लिए थे। ले लो ले लो, यही भूल रहे थे। मामा आ जाओ, प्रणाम। आ जाओ आ जाओ, छोड़ो छोड़ो, जान लोगों के मुंह नहीं लगते। मामा ने बताया था ना तुम्हें। तुम्हें क्या जरूरत थी बोलने की कि तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड हो? अरे हमें थोड़ी ना पता था कि बिना देखे तुम्हारा मजनू मेरा बैठा है। कौन था ये घटोत्कच? ये घटोत्कच नहीं था, वो बचपन में नाटक नहीं देखते थे? कौन सा? जिसमें भूसार सा आदमी आता था या को बोलता था, क्रूर सिंह। ये हम भी सुनेंगे। ओ बॉबी जी, तुम्हारी भाभी। भाभी का फोन, उठाओ उठाओ उठाओ। हेलो। ओ तो आप हमारी सहेली का पीछा कर रहे थे? अरे यार इसको कैसे पता चला कि हम इसकी सहेली का पीछा कर रहे थे? मना करो मना करो मना करो। नहीं तो। नहीं तो क्या? झूठ। बॉबी जी हम पलटू के मामा का घर ढूंढ रहे थे। ये पलटू कौन है? पगला पलटू हमारा दोस्त, हमारा जिगर का टुकड़ा, हमारा बचपन का यार। देखिए राज जी, हमें ना सब पता है कि आप हमारा घर सर्च करने के चक्कर में हैं। यस। नहीं बॉबी जी, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हम आपका पीछा नहीं कर रहे थे, ना ही आपकी सहेली का पीछा कर रहे थे। देखिए हमें कुछ सुनना ही नहीं है और हमें ना आपसे बात ही नहीं करनी है, जाइए। हाँ। अरे कह रही है कि बातचीत नहीं करेगी। नहीं करेंगे। अरे मनुष्य रिक्शा लेकर घूम रहे हो, आपसे बात करो। बॉबी जी सुनिए, देखिए ऐसा जुलम मत कीजिए, भले ही हमको 100 कोड़े मार दीजिए, हमको सजा सुना दीजिए, हमको जेल भिजवा दीजिए, लेकिन हमसे बात करना मत बंद कीजिए। तो आपको एक प्रॉमिस करना होगा। अरे कह रही है प्रॉमिस? अबे पहली बार भाभी कुछ मांग रही है, दे दो दे दो। दिए। ओह ठीक है, तो आज के बाद आप हमारी सहेली का पीछा कभी नहीं करेंगे। हाय राम, कह रही है कि सहेली का पीछा नहीं करेंगे। हाँ ठीक है नहीं करेंगे। हम खुश हुए, पोपट बना दिया। ओके बॉस बाय। हाँ तो सुनिए। अरे यार क्या हुआ? बहुत ही कड़क लड़की है, एक तो अपना फोटो नहीं दिखा रही है, ऊपर से इतना पक्का वाला प्रॉमिस ले लिया है कि अपनी सहेली का पीछा करने से मना कर रही है, अब क्या करें? वैसे हमको एक बात समझ में आ रहा है, तुम कौन सा राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो हैं, जो प्रॉमिस कर दियो तो तोड़ोगे नहीं? हम करेंगे पीछा, और तब तक करेंगे जब तक भाभी का घर मिल नहीं जाता और तुम जी भर के भाभी को ताड़ने लेते। चुप। गंदी बात। अरे प्रॉमिस की है, ये प्रॉमिस के खिलाफ है, गलत है। अच्छा तो ढूंढ लो उसका घर। कमाल करते हैं यार, ऐसे ही मिलेगी। ऐसे ही मिलेगी? हाँ। अरे सॉर वेरी मच। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना। चलो चलो जल्दी 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 आ जा। चल। ये क्या चेहरे पे कपड़ा क्यों बांध लिया? पापा धूप और धूल धक्कड़ इतनी है। बेटी झांसी की रानी लग रही हो। चलो 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 मार के। अब देख के नहीं चला सकते? देख के वो चलाए, तुम देख के नहीं चला सकते? लाकर स्कूटर को रिक्शा पर टक्कर मार रहे हो।
अरे तुम्हारा ब्रेक फेल तो नहीं है? अरे यार। तुम्हारा स्कूटर लाए और टक्कर मार दिए सीधे रिक्शा में। अंकल उनको कुछ बोलियो, वो भी तो नहीं देखे। उनको बोलू? हेलमेट निकालो। अब रहने दीजिए ना अंकल। अरे छोड़िए ना। हेलमेट निकालो। तुम वही हो ना जो उस दिन दोस्त के मामा का घर ढूंढ रहे थे? जी नहीं। क्या? जी हाँ। दोस्त के मामा का घर मिला? अब हाँ मिल गया, मामा का घर तो मिल गया था। बहुत खातिरदारी की है, बिस्किट भी पिलाए, चाय भी पिलाए। ओहो, बिस्किट भी पिलाई, चाय भी पिलाई, दोनों पिलाई? नहीं नहीं, बिस्किट खिलाए और चाय पिलाई। चलिए हम चलते हैं। लाइसेंस है? स्कूटर चलाने का लाइसेंस? हाँ लाइसेंस है। ये देखिए हम लाइसेंस, पापा तो हमारा 16 साल की उम्र में ही बनवा दिए थे। देखिए लो। इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक का एटीएम दे दिए। ये देखिए, ठीक है चलिए। ठीक है ठीक है। अच्छा अब हम ध्यान से स्कूटर चलाया करो। जी जी जी। तुम नई पीढ़ी में बहुत जोश है जी, उसका सही जगह प्रयोग करो। आप भरोसा रखिए अंकल। पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो। हाँ ये लीजिए, सीधा करो। आप निकल जाइए, सीधा करो। रुको, चलो धक्का दे दें। तुम्हें इसका हाल देखना चाहिए था। क्या बात कर रही है? सच में डर गया था? डर गया था? पापा को देख के इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। तुम्हारे पापा भी ना डीडीएलजी के अमरीशपुरी हैं। ओ हेलो, पापा के बारे में कुछ नहीं, गला दबा देंगे तुम्हारा। बड़ी आई पापा की बेटी। अच्छा ये बता, उसने तुम्हें एक बार भी नहीं देखा? देखता कैसे? क्यों? हम मुंह जो ढक के निकले थे और पापा थे ना साथ में। ओह बहुत तंग कर रही हो वैसे उसे तुम। तंग नहीं कर रहे हैं तो? मजे ले रहे हैं थोड़े से। अरे नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, कैसी हो तुम दोनों? हम अच्छे हैं दीदी। दीदी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों ये काम हमेशा करती रहो। सिर्फ कहने के लिए नहीं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन करके भी दिखाना है। ठीक है जी दीदी। चलो तुम दोनों अंदर आओ, मैं आगे का प्लान समझाती हूँ। ठीक है चलिए दीदी। बड़ा बेईमान है। कितनी सारी शॉपिंग कर ली ना, मजा आ गया। तुम रुकने का नाम ही नहीं लेती हो शॉपिंग। अरे निशा जी, निशा जी, अरे निशा जी आप, अरे आइए आइए, अरे भाग के भी आ सकती है आप। अरे हमारे पैर दुखते हैं। अरे इतनी देर में तो बहुत लंबा हो जाएगा। इतनी तेज आप हाथ क्यों दबाती हैं? सॉरी। जिम जाती हैं क्या? अरे कैसी हैं आप, अकेली यहाँ? बॉबी जी हम तो वेट कर रहे हैं अपने मम्मी पापा का, यहाँ आएंगे बिग बाजार में शॉपिंग करनी है। हेलो। हेलो बॉबी जी, कैसे हैं आप? अरे हम तो अच्छे हैं, आप कैसी हैं? हम भी अच्छे हैं। हमें कैसे याद कर लिया आज? क्यों, हमने आपको याद किया, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप तो हमारी हर बात को पकड़ ही लेती हैं। अच्छा सुनिए ना। सुनाइए ना। हमसे मिलना नहीं चाहेंगे? अरे हम तो कब से तरस रहे हैं आपके दर्शन के लिए, लेकिन आप है कि दर्शन ही नहीं दे रही हैं। तो मिलिए ना। बताइए कब? आज। सब ठीक तो है? आज मतलब आज अभी? अभी ठीक है, बताइए कहाँ है, हम आ जाएंगे। 10 मिनट में ना सोनाली फूड पॉइंट के सामने आ जाइए। 10 मिनट में सोनाली फूड पॉइंट? हमें सोनाली फूड पॉइंट थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन हम आ जाते हैं। और सुनिए देर मत करेगा, हम वेट कर रहे हैं, जल्दी आइए ना। बाय। काट दिया। अच्छा हम निकलते हैं, हमें कुछ काम आ गया, हम बाद में मिलेंगे। बाय बाय चले। अरे भैया ये सोनाली फूड पॉइंट कहाँ है? बॉबी जी हम सोनाली फूड पॉइंट के बाहर खड़े, कहाँ हैं आप? राजी हमने कितना वेट किया
आपका, अब हम वापस घर आ गए, बाय। क्या अब भाग साला। अरे तुमको क्या लगता है कि इस साल सलीम को अपने अनारकली मिल जाएगा का? अब ये तो बादशाह अकबर जाने चचा। बिच्चू भाई कलकत्ता सादा। बिच्चू काका पान लगा दिए हैं? हाँ, पहले तिवारी जी का लगा देते हैं। तुम इस उम्र में पान खाते हो, शर्म नहीं आती? यही समस्या है तुम नई पीढ़ी की। तुम्हारे माता पिता को पता चलेगा क्या सोचेंगे, और आजकल तुम नौजवान तो अपनी माता पिता की सुनते ही नहीं। अरे अंकल वो बात नहीं है, ये पान हम अपने पापा के लिए ही लगवा रहे हैं। पापा के लिए? हाँ। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं चला, सॉरी सॉरी सॉरी। वैसे एक बात बोले अंकल, आप भी तो बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी तो पान नहीं खाना चाहिए ना। अरे हम बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, कभी कभार पान खा लेते हैं। ये गलत। लीजिए तिवारी जी आपका स्पेशल पान। बिच्चू भाई पान रहने दीजिए। पर हम तो आपका पान लगा दिए हैं। अरे लगा दी है तो पैसा ले लीजिए भाई, ये लीजिए रखिए। आज से हमारा पान खाना बंद, हमारा पान बंद। हा? चलो। सही में बंद? हा? बॉबी जी। तो आजकल बड़े बिजी हैं। ओ, तो अब तो आप हमसे बात भी नहीं करेंगे, है ना? बोलिए क्या काम है, हम बहुत बिजी हैं। हमें गोलगप्पा कहते हैं और खुद गुस्से में गोलगप्पा हुए जा रहे हैं। हाँ देखिए, गुस्सा थूक दीजिए, आप ना हमारे सीख कबाब भी अच्छे हैं। लगता है आप बहुत पुरानी खिलाड़ी हैं। सब जानते हैं कब कहाँ किसको क्या बोलना है। 3 दिन हो गए, एक बार भी आपने हमारा पता पूछा, और वहाँ पर हमें अकेला छोड़ करके आप चली गई। तो आप पूछ लेते हैं ना, आप कैसे हैं? हमारे राजकुमार चतुर्वेदी, एमएन हिंदी। हमारे? क्या बात है, आज तो आप बड़ा रोमांटिक हो रही हैं। अब क्या करें, संगत का असर है। वैसे ना आपको देख के ना हमें बड़ा फीलिंग आता है कि आप बड़े रोमांटिक टाइप्स होंगे। अच्छा, कैसे पता? यानी कि है। देख लीजिए, पता चल जाता है बॉस। अब देखिए, आप ना ज्यादा आग में घी डालने का काम मत कीजिए। अगर हम एक बार रोमांटिक हो गए ना तो हम सही बता रहे हैं, आप शर्मा आ जाएंगे। तो कह दीजिए ना। पक्का? पक्का। पहले आप बताइए आपके दिल में क्या है। हमारे दिल में तो बहुत कुछ है। तो फिर बता दीजिए ना, हम सुनना चाहते हैं। अभी नहीं। फिर कब बताएंगी? क्यों, आपसे सब्र नहीं हो रहा? कितना सब्र करें, आप इतना पास होकर भी इतना दूर हैं। जैसे 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 वो चांद। बैठा बैठा ये दिल कहने लगा, मैका मैका सा ये रहने लगा। ख्वाब जो देखा मेरे दिल ने वो सच होने लगा। शैतानिया बदमाशिया ख्वाब में आके को पल सपना तेरा देखा वो
सच होने लगा गुस्ताखियां नादानियां हर दम मैं तो करने लगा मन बावरा होने लगा तेरी ही बात करने लगा छोटी छोटी तितलियों से ये पूछती हूँ देखने लगी सपने कई तू मेरे करीब है बस लगता यही एतबार से तुमको चाहने लगा हूँ सच कहता हूँ तू है मेरा हमनशीन मन बावरा होने लगा तेरी बातें करने लगा क्या बताएं हम तुमको बातें तो बहुत बढ़िया बढ़िया करती है प्यारी प्यारी करती है पर जब भी मिलने की बात करो तो टाल जाती है हम बता नहीं सकते हैं हम कितने बेताब हो रहे हैं उसे मिलने के लिए अब क्या बताएं भाई तुमको जो इंटरनेट वाला प्यार मोहब्बत होता है ना ये बहुत खतरनाक होता है हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो परेशान हैं दुखी हैं कहके सब फेक होता है ना एक्चुअली इसमें जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं भाई जब भी पूंछ उठाएगी वो तो हगेगी ही और हम भी तुम्हारे साथ रहते रहते ना हमारे दिमाग में जो है अकल में गोबर भर गया है कैसे मिले बॉबी जी से और एक तो आइडिया आया हमारे दिमाग में ये जो सरकार है ना वर्तमान सरकार उस सेंसेक्स के माध्यम से शहर भर में सर्वेक्षण करवा रही है और तुमने जैसे बेरोजगार इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग जो हैं, उसमें पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं अरे हम उत्तर की बात कर रहे हैं तुम दक्षिण की बात कर रहे हो सर्वेक्षण का हमारी लव स्टोरी से क्या लेना देना है लेना देना है तभी ना बोल रहे हैं सर्वेक्षण के माध्यम से तुम अपनी फेसबुक वाली दुल्हनिया को ढूंढ सकते हो सर्वेक्षण से लगाओ दिमाग है, है? एड्रेस एड्रेस सही कह रहे हो पर एक बात बताओ हमको इस काम पे रखेगा कौन दुर्गा मंडल दुर्गा मंडल आयरन लेडी अरे हाँ हम तो सोचा ही नहीं तो चलो फिर तो अब तुम जानते हो कहाँ होंगी वो अरे जल्दी जल्दी खींचो क्या कर रहा है रे तुम लोग चलो करो करो जल्दी उधर कौन बैठा है रे जल्दी आओ काम करो हाथ में ताकत नहीं है रे जल्दी जल्दी तोड़ो बच्चों से बाल मजदूरी करवा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए इसे बंद होना चाहिए और इसके बावजूद ये अपराध करते हुए कोई पाया गया तो उसके खिलाफ सरकार में रिपोर्ट होगी फिर भुगतना भी उसे ही पड़ेगा समझ गया
चलो बेटा। ये हमारा यार है राजकुमार चतुर्वेदी है हमारा नाम। और ये ना सामाजिक काम करना चाहता है। हाँ जी हम एमएन हिंदी हैं। मेरे ख्वाबों की मलिका मिलोगी कब मुझे, मेरे ख्वाबों की मलिका मिलोगी कब मुझे। तुम फॉर्मल ड्रेस में, कोई जॉब वो मिल गई का? हाँ जी वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, सेंसेक्स का काम, वो जनगणना। ये जॉब कहाँ से मिल गई तुमको? हाँ अब क्या बताएं अंकल, अब पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जो काम मिल जाता है उसमें अगर पैसा भी मिल जाए और इज्जत भी मिल जाए तो हम उसमें हुज्जत नहीं करते। बहुत स्वाभिमानी हो जी, तुम्हारी वृत्ति हमको पसंद आई। शुक्रिया। मिली यार तुमको कितनी बार समझाए हैं, फिर स्त्रीलिंग का गड़बड़ कर देते हो। नहीं मिली नहीं होता है। मिला होता है। हाँ। तो कर रहे अपने व्याकरण पे काम, धीरे धीरे सीख जाएंगे। हा? कौन नहीं मिला, किसको ढूंढ रहे हो तुम लोग? इनके दोस्त को ढूंढ रहे हैं। इसका दोस्त? और उस दिन तुम दोस्त के मामा को ढूंढ रहे थे? नहीं 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 नहीं, दोस्त के मामा को थोड़ी ना, हमारे मामा को ढूंढ रहे थे उस दिन। तुम्हारे मामा को? तुम्हारा दोस्त और इसका मामा? नहीं नहीं, अभी हम हमारे ही दोस्त को ढूंढ रहे थे। हमको फोन किया था वो कि वो यहीं कहीं रहने के लिए आया है, वो घर जो बदल दिया है वो एड्रेस भी भेजा था, पर वो हमें मिल ही नहीं रहा है। और हमारा तो मोबाइल भी मतलब पूरा बैलेंस है, सब कुछ है, उसका नंबर भी सेव है, लेकिन नॉट रीचेबल आ रहा है। कहीं उसने मकान पहाड़ वहाड़ पे तो नहीं ले लिया जो नेटवर्क नहीं आ रहा है? बिल्कुल अब ऐसा ही हो सकता है। हाँ ये तो हम सोचे ही नहीं। पानी वानी पियोगे? चाय पी लेंगे। नहीं नहीं पियेंगे चाय, गैस हो जाता है। हाँ अब चलो, गैस हो जाता है पानी से या चाय से? इसको तो दोनों से हो जाता है। अब चलो चलो हम वो पहाड़ पे जाना है। अच्छा नमस्कार। हमको तो लगता है ये CIA का एजेंट है, रोमियो स्क्वाड हमारी प्रेम लीला का रावण है ये। अरे सही करो यार, तुमको हमको भी ऐसा लग रहा तो। किधर? वो आ रही है निशा। फार्मल, बड़े हैंडसम लग रहे हो, क्या बात है। हम लोग तो बचपन से ही। वैसे यहाँ कर क्या रहे हो? ओ वो बस बाबा, हाँ ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जनगणना। अच्छा जनगणना। हाँ जी। कब से जागरूक हो गए? वैसे ये है क्या? ये इसका मतलब होता है वो कि हम दो, हमारे दो। अच्छा आप दो, आपके दो, क्या बात है, सही है। तो फिर बस आप यहीं कहीं रहती हैं? यहीं रहती हैं का? क्यों, हमारा घर जाना है आपको? क्यों, इरादे नेक है ना? हाँ लेकिन हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। ऐसे ही पूछ रहे थे, चलो भी ठीक है हम चलते हैं। हाँ मिलेंगे फिर। बाय बाय बाय। बॉबी जी को हमारा हाय बोलिएगा। हम अपने मन का कह रहे थे कुछ, दिल का। हाँ वो हमारे मन में ख्याल आ रहा था कि हमारी भाभी जो है इसी मोहल्ले में रहते हैं, हम इनका पीछा करते हैं और आप यही रहिए, हम पता लगा क्या थे। ठीक है ज़्यादा बॉबी जी के बहाने निशा जी के चक्कर में पीटी उसे मत बनो तुम। क्या दिए हम बॉबी जी को प्रॉमिस कि उनकी सहेली का पीछा नहीं करेंगे? हमको लगता है ना तुम हमको कुवारा ही मारोगे। अच्छा हमारा ब्याह नहीं होने दोगे तुम्हारे साथ हम है ना पलटू। मिलोगी कब मुझे, मेरे ख्वाबों की मलिका, मिलोगी कब मुझे। क्या बात है? ओ जनगणना करने के लिए आए हैं। आपके घर में जो जो है उसका नाम बता। नहीं नहीं बच्चों का नाम बता दीजिए, कोई निशा नाम से है या बॉबी नाम से? नहीं। एक काम करो तुम इस तरफ जाओ, हम उधर जाते हैं। हाँ हाँ हम इधर जा रहे हैं, तुम उधर जाओ। गली गली में ढूंढूं मैं तुझे। यह किसी और का होगा और दौड़ भाग हम करते हैं। मुझे मेरे ख्वाबों की मल्लिका, मिलोगी कब मुझे। और ठीक ठाक है जी? बिल्कुल। बस ये जानना चाह रहे हैं कि आपके घर में कोई निशा या बॉबी नाम से है 20 से 25 साल की उम्र में? कोई नहीं रहती यहाँ पर। मेरे दिल को लुभाए, हम तेरे आशिक, हमें आंटी जी चाची ताई कोई है का? तेरी खोज में
बॉबी नाम का कोई है कहाँ यहाँ पे? है। हाँ? नगर में तेरा घर है ओ पिया। बॉबी नाम का है यहाँ? हाँ। अरे? राज। हाँ। जल्दी से आ जा। क्या हुआ? यहाँ बताते। बुलाइए 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 बुलाइए। बॉबी। ये है बॉबी। ये है बॉबी। रास्ते में मिल गया था। इधर क्या कर रहा था? ओए होए 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 होए, कितनी भोली बन रही है। जैसे से पता ही नहीं है कि वो यहाँ इस मोहल्ले के चक्कर क्यों काटता है। क्यों काटता है? अब ये भी हम ही बताएं। क्योंकि उसे हमारी वजह से डाउट हो गया कि तुम भी यहीं इसी मोहल्ले में रहते हो। समझी? तो हम रहते हैं ना इस मोहल्ले में। तुम उससे मिल क्यों नहीं लेती, ये बताओ। टाइम आने पे चीजें ठीक लगती हैं। जब टाइम आएगा तब सोचेंगे। सोचेंगे, ठीक है। तुम बैठी बैठी सोचो, हम चलते हैं फिर। शाम को आओगी ना? हाँ, बाय बाय। आगे भांजे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके। मामा क्या पढ़ रहे हो? अरे कुछ नहीं, इंटरव्यू की तैयारी चल रही है। इंटरव्यू? ओहो, मामा प्रोफेसर बनेंगे? प्रोफेसर आर के चतुर्वेदी, सही है ना? कितनी बार बोला है तुम्हें, पूरा बोला करो। राजकुमार चतुर्वेदी। ठीक है ना? सॉरी। ठीक है हैप्पी, तू भी बड़ा हो गया प्रोफेसर बनना, ठीक है? अरे ना ना नानी, प्रोफेसर लोग बड़े बोरिंग होते। बताएं तुम। मामा को ही देख लो। अच्छा चलो अंदर आओ भाई। गरम है तेरी पसंद के। देख हमारा जमाना था, लोग एमए करने के बाद फट से प्रोफेसर बन जाते थे। हाँ, और आजकल के जमाने में पीएचडी कर लो, एमफिल कर लो, फिर भी प्रोफेसर बनने के लिए मारा मार रही है। खैर छोड़ो, तुम्हारी तैयारी तो मुकम्मल है ना? हाँ जी। कल का इंटरव्यू क्लियर कर लोगे? तो कोशिश चल रही है। बढ़िया। विनायक कुमार गोयल। अंकित कुमार अग्रवाल। राजकुमार चतुर्वेदी। नमस्कार। नमस्कार। बैठिए। बैठिए बैठिए। नमस्कार नमस्कार। आप हैं? आपका नाम क्या है? राजकुमार चतुर्वेदी। पिता का नाम क्या है? झुनझुन प्रसाद चतुर्वेदी। कहाँ पढ़ाई की आपने? हम एमए एमफिल किए हैं रांची विश्वविद्यालय से। बहुत अच्छे। किस विषय में किया आपने? हिंदी साहित्य। आपको अध्यापन का कोई अनुभव है? अभी तक तो नहीं, अपने भांजे को पढ़ाते हैं घर में। आपके पिताजी क्या करते हैं? जी वो वकील हैं, वकालत करते हैं। तो आपने फिर वकालत क्यों नहीं चुना? आपको आसानी होती? बात यहाँ आसान या कठिन का नहीं है, बात यहाँ रुचि का है। हमारा रुचि वकालत में नहीं था, जबकि पिताजी वकील थे। हम जानते थे कि हम उसे निपुणता से नहीं कर पाएंगे। पांडे जी। राजकुमार चतुर्वेदी, आपने हिंदी साहित्य में एमए एमफिल किया है। जी। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में भारतवर्ष में हिंदी का भविष्य क्या होगा? हमारे हिसाब से कुशल तो नहीं है। क्या? जी। आपने हिंदी साहित्य में एमए किया है और आप ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं? माफ कीजिएगा, हमें ऐसा लगता है। यही समस्या है आप नई पीढ़ी की। क्या हो गया है आप लोग? ले लीजिए, जाइए। माफी चाहता हूं अगर आप लोगों को हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो। आप जा सकते हैं। क्या हो गया है आज के बच्चों को?
हाँ हाँ वास्तव में जोड़ी जमेगी इनकी हाँ। अच्छा जी नमस्कार नमस्कार। किसकी जोड़ी बना रहे हैं? अरे अपने राज की और किसकी। अच्छा हाँ। लो। अरे राज आ गया। सुनो उसको कुछ मत बताओ। कैसा रहा इंटरव्यू? बढ़िया। पैनल के लोग कैसे थे? एक को छोड़ के सबने सपोर्ट किया। क्यों? एक को छोड़ के क्यों? पता नहीं पापा, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमें देख के मनी मन गरिया रहा है। क्यों? हमें तो उसकी शकल ही पसंद नहीं आई मम्मी। अरे छोड़ उसे। पापा मम्मी हमको ना एक जरूरी काम याद आ गया, हम अभी आते हैं। अरे अभी आया? अभी क्या बस आ रहे हैं मम्मी, आ रहे हैं आ रहे हैं। देखो इसका हाल। अपने बाबूजी की प्यारी फटफटिया में बाबूजी से कह के तेल भी डलवा दिया करो, जहाँ देखो वहाँ रुक जाती है। ज्यादा फालतू मत बोलो हमारे पापा के बारे में, वकील है, अभी शादी तय हुई है तुम्हारी, समझ गए? डिवोर्स पेपर साइन करा लेंगे अभी के अभी। बड़ा मुश्किल से शादी तय हुआ है, और जो हमारा मन तो वो बॉबी जी की जो सहेली है ना वो निशा, उसको प्रपोज मारने का था। हाथ पकड़े हो कभी उनका? नहीं। बताया कितना कड़क है। ओए निशा जी। अरे पकड़ो पकड़ो। नाम लिया और आ गई। पकड़ो तो सही तुम। हमको जाना। निशा जी हाय। कैसी हैं आप? नहीं नहीं डर गए। अच्छा तो आपकी तबीयत कैसी है? कैसी हैं आप? तबीयत तो बस चल रही है किसी तरीके से, रात को नींद नहीं आ रही है। दिन में चैन गायब है। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। करिए ना। कर लो। आपकी जो वो फ्रेंड है ना कुमारी बाबी, जो हमारी भी फेसबुक फ्रेंड है, हम उनकी तस्वीर के लिए तरस रहे हैं। आजकल तो कंप्यूटर स्मार्टफोन का जमाना है, आपके पास उनकी कोई ना कोई फोटो भी होगी, हमें दिखा दीजिए ना। ओ, हमारे पास वैसे फोटो थी। थी? हाँ, बट फॉर्मेट हो गया मेरा फोन। धत। और मैं, निशा जी, आप हमारे लिए इतना तो काम कर दीजिए ना। बताइए ना। अपने स्मार्टफोन पे जाके उनका एक तस्वीर फोटो खींच लीजिए, अपने जैसा लिपस्टिक लगा के चोटी बनवा दीजिए और अच्छी सी फोटो लेके आ जाइए और हमें दिखा दीजिए ना। लौंडा पराया हो गया भगवान कसम। देखिए अगर हम किसी राज्य के राजा होते ना तो इस बात पर हम आपको अपना पूरा आधा का आधा राजपाट दे देते। हंस रही हैं? लाएंगी ना? प्रॉमिस नहीं करेंगे पर हाँ कोशिश करेंगे, पर आपको हमें अपना आधा राजपाट देना पड़ेगा। डन पक्का। चलो तो हम चलते हैं। अरे नहीं जाओ आप। अरे ले जाइए ना हमें साथ में। ए भैया भैया आधा का पूरा दे दो राजपाट पूरा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। पलटू ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बॉबी जी यहीं कहीं रहती है। यहाँ कहीं नहीं रहती है, जाने दे। चलिया तू पूछोगे तभी तो पता चलेगा ना। बल्कि ये मोहल्ला भी सही है, हल्के में नहीं है ये। तुम तो अपने ही जुगाड़ में लगे रहोगे। अच्छा बॉबी जी के चक्कर में तुम्हारा ही कोई सेटिंग फिक्स हो जाए। शादी वाला घर तो हमको ध्यान नहीं आ रहा है। अरे पलटू रुको रुको, बॉबी जी का फोन आ रहा है। क्या बताओ? रुको नहीं उठ रहा। हेलो। हाँ जी बड़े उतावले हो रहे आप हमारी तस्वीर देखने के लिए। ओ तो कबूतर ने मैसेज डिलीवर कर दिया है। पूरा का पूरा। अच्छा तो आप बताइए क्या करेंगे हमारी तस्वीर देख के? हमने जो अपने दिल में आपकी तस्वीर बनाई है ना उससे मैच करेंगे। अच्छा जी कैसी तस्वीर बनाई है अपने दिल में आपने? वो तो आप जब मिलेंगी ना हम तभी बताएंगे। इतनी जल्दी कैसे बता दें? और फिर उसके बाद? उसके बाद अब हम आजकल के लड़कों की तरह आपको आई लाइक यू आई लव यू नहीं बोलेंगे। सीधा सीधा बोलेंगे, स्ट्रेट कट टू द पॉइंट। ओ विल यू मैरी मी, ओ विल यू मैरी मी। और अगर हम काली कलूटी बैंगन लूटी एंगी बैंगे निकले तो? अरे यार कह रही है कि काली का लूटी बैंगल लूटी है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? हाँ तो क्या हुआ? अरे लोग यही ना बोलेंगे कि राज की बीवी काली का लूटी बैंगल लूटी है। हाँ क्या फर्क पड़ता है? उनको क्या पता कि राज की बीवी क्या है? राज आप सीरियस हैं? अरे हम तो पहले दिन से सीरियस हैं, आप भी हो जाइए ना। जानते हैं राजकुमार चतुर्वेदी जी। क्या बोले? आई लव यू बोले आप? हाँ?
रिपीट कीजिए ना। जब मिलेंगे तब बताएंगे। ओ, तो आप हमसे मिलना चाह रही हैं, हैं? आप ना टीटी वायल। अरे यार काट दिया, एंड में बोल लिया वो कि हम जा रहे हैं टीटी वाईपीएल। कुछ भी करेगा राजा बेटा, आज तुम फ्री हो या कोई काम है? नहीं कुछ खास नहीं। हाँ सुनो, हम जरूरी काम से रांची जा रहे हैं। ये तिवारी जी की फाइल है, इस एड्रेस पर पहुंचाना है। बहुत कॉन्फिडेंशियल है, किसी दूसरे के हाथ नहीं पहुंचा सकते भाई। तुम इसको पहुंचा देना जरूरी से, ठीक है? हम लेट हो रहे हैं, हम निकल रहे हैं। सुनिए सुनिए, अरे खाना तो लेते जाइए। सुनो हम कल तक लौटेंगे, ख्याल रखना घर का, ठीक है? चलिए पापा, हम आपको स्टेशन तक छोड़ देते। अरे काहे, हम निकल जाएंगे। सही कह रहा है, जा छोड़। 20 मिनट ही तो लगेंगे, चलिए आइए। मम्मी हमारे लिए भी नाश्ता तैयार रखना, हमारे तैयार रहेगा। आपका घर है? बनिए मत, हम तो समझ रहे थे आप शरीफ से सीधे साधे मानुष हो, पर आप, आपने इतने सड़क छाप, अवारा रोड छाप, मतलब हमारा पीछा करते करते आप हमारे घर तक आ पहुँचे। इतना भाव खाने की जरूरत नहीं है, हम आप जैसी लड़की के पीछे दौड़ नहीं रहे हैं। एक सेकेंड, आप जैसी का क्या मतलब होता है? मतलब ही-मैन टाइप। ही-मैन होंगे आप? आप हैं। और सुनिए, हाँ। ये जो फाइल है ना, हमारे पापा ने हमको बोला था कि ये जरूरी फाइल है, हाँ। ये इसे इस एड्रेस पे पहुंचाना है। ये देखिए, इस पे यहाँ का एड्रेस भी लिखा हुआ है और एसपी तिवारी भी लिखा हुआ, वो देखिए, देखिए वहाँ पर, पढ़ लीजिए। जानते हैं, सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमें लगा कि नहीं, आपको क्या लगा था? क्या लगा था आपको, क्या बोले थे आप? नहीं, नहीं, सड़क छाप मजनू है हम, फटे हाल है हम। नहीं आप ऐसे कुछ नहीं है, हमसे गलती हो गई, हमें तो दस पसीतो हैं हम। हमारा वो मतलब नहीं था, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आप ये फाइल पकड़िए और एसपी तिवारी जी को दे दीजिएगा। नमस्कार। अरे सुनिए तो सही। बोलिए। पहली बार घर आए हैं ना, पानी तो पी लीजिए। चलिए ठीक है, अब आप इतनी जिद कर रही हैं तो हम एक गिलास पानी पी लेंगे, लेकिन यही पियेंगे। जाइए लाइए। समझिए, अच्छा नहीं लगता हम बाहर खड़े हैं। अगर आप बॉबी जी के फ्रेंड नहीं होते ना निशा जी, तो आज हमारी आज से फुल एंड फाइनल कट्टी हो जाती। आप परेशान मत होइए, आपको ना योगा की जरूरत है, आपका जबान पे कंट्रोल नहीं है। क्या क्या बोले आप हमें? अरे हम करते हैं योगा। लीजिए आप ठंडे हो जाइए। अरे क्या हुआ? माशी कौन है? ये तो हमारे पिताजी। आपको कैसे पता? एक मिनट, इस घर में नहीं रुके। अरे चाय तो पी के जाइए। चाय? अरे चाय क्या, अब इस घर का पानी भी हमें हजम नहीं होगा। जा रहे हैं हम निशा जी, अब समझ में आ गया, दोनों ही मैन हैं, पापी और बेटी भी। जा रहे हैं, ओके, गलती हो गई, जा रहे हैं हम। अम्मा मुंह मत लटकाओ, भाई पियो, ये एनर्जी आएगा, लो। पलटू मान जाओ ना। कहाँ मान जाए यार, कैसी बात कर रहे हो? हमको नहीं पता था निशा की वो घटोत्कच की बेटी है, हम तो प्यार मोहब्बत में पड़ गए थे उसके। वो तो ठीक हुआ पता चल गया, वरना वो घटोत्कच हमको तोड़ मरोड़ देता। आज हमको पता चल गया। का पता चल गया? हमको पता चल गया, हम बता रहे हैं। नहीं, हमको बताओ का पता चल गया? कि तुम बहुत बड़े फट्टू प्रजाति के आदमी हो। अच्छा, जरा हमको बताओ तो कि तुमको कब पता चला कि हम फट्टू हैं?
बहुत पहले प्रेडिक्शन कर दिए थे। जब बहुत पहले कर दिए थे तो आज काहे बता रहे हो? क्योंकि हर बात को बताने का टाइम होता है। एक बार हमसे बोलो, हम सच्ची कह रहे हैं, एक बार बोलो, बाबू जी को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चालू कर देंगे। नहीं भगवान कसम सच्ची। सर्च ऑपरेशन का तो तुम नाम ही मत लो। लास्ट टाइम सर्च ऑपरेशन चालू किए थे तो कुमारी बाबी की जगह कुमारा बाबी ढूंढ लिए थे। अरे तो गलती से ना हो गया था भाई, गलती से हो गया था भाई। ए भैया, ए राज, तुम्हें नहीं लगता अब ज्यादा हो रहा है? ज्यादा तो हो रहा है यार। तो फिर उससे मिल क्यों नहीं लेती हो? यही तो हम भी सोच रहे हैं। तुम एक बात बताओ, तुम्हें ये फेसबुक पे मिल कैसे गया था? फेसबुक पे तो बहुत लोग मिल जाते हैं, वैसे राज भी मिल गया था। तुम्हें एक बात बताएं, फेसबुक पे रेयर ही होता है कि इतना सीधा इतना शरीफ इंसान मिल जाए। अब उसे प्रपोज कर ही दो। ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, कहीं घूमने चलोगी? ये मौसम कैसे बदल गया अचानक से? चलो तैयार होकर आओ जल्दी। मुझे तेरी कमी सी लगने लगी है, इस दिल में खलिश सी जगने लगी है। मखमली मखमली सुन ले हुस्न वाले, सुरमई सुरमई तेरी आँखों के प्याले, रौनके रौनके तेरे हुस्न के उजाले। उलझा उलझा रहूं तूने पहरे जो डाले। मैं फिदा तुझपे फिदा हो गया। 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 छू गई तेरी जादुई नजरे तेरी जादुई नजरे मेरे मन को छू गई। बेजान मेरे दिल में ये जान भर गई। तेरे इश्क का सुरूर जा गया, जीने का मदा मुझे फिदा तुझपे फिदा हो गया। मैं फिदा तुझपे फिदा हो गया। इतना इश्क है तुमसे क्या कहूँ बेहिसाब। इतना इश्क है तुमसे क्या कहूँ बेहिसाब। तेरे इश्क का सुरूर जा गया, जीने का मजा मुझे आ गया। मैं फिदा तुझपे फिदा हो गया। मैं फिदा तुझपे फिदा हो गया। ये हुई ना बात। देखो इतने सारे पकवान रखे हो सामने, तब आता है जिंदगी जीने का मजा। असली मजा तो वो है। चाट दूं ना तेरी पसंद का? हाँ थोड़ा। बड़े दिनों से तलब हो रही थी गोलगप्पे और जलेबी खाने की। हाँ, लेकिन कचरी से फुर्सत ही कहाँ मिलती है।
क्या स्वाद है, गुप्ता जी के यहाँ से लाया क्या? आपको कैसे पता चला? अरे भाई उसका तो जवाब ही नहीं है, आज भी वही स्वाद है जो 10 साल पहले हुआ करता था। इमली के पानी से पकड़ लिए हैं ये। तुम भी चखो। हाँ हाँ खाते हैं। लीजिए मम्मी। दो। अब पापा हमारा ना एक जरूरी फोन आ गया, हम अभी आते हैं। किसका फोन है? वो फ्रेंड का फोन है ना। हम अभी आते हैं पापा, उसको कुछ काम था हमसे, है ना। चलो खाओ खाओ खाओ। हाँ जी हाँ जी, कैसी तबीयत है? तबीयत तो एकदम बढ़िया है, एकदम मस्त। क्यों, कोई और पसंद आ गई क्या? आप भी ना, बल्कि ये समझ लीजिए कि जिसको हम पसंद करते थे ना, आज वो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। आय हाय क्या लग रही थी। मतलब अब हर बात का मतलब निकालना जरूरी है क्या? और जो हम दोनों एक दूसरे से इतने दिनों से बात कर रहे हैं, उस बात का कोई मतलब नहीं है? हम एक दूसरे को लाइक करते थे, पर हमारी गाड़ी आगे इसलिए नहीं बढ़ पाई क्योंकि हमारी गाड़ी पहले आप पर आकर टाटे फिस। बात तो सही है। बात सही है क्या बाबू जी? आप सब समझ रही हैं तो फिर बोलती क्यों नहीं? क्या बोले? चलिए हम ही बोल देते हैं। क्या आप हमारी बॉबी से श्रीमती राजकुमार चतुर्वेदी एमए इन हिंदी बनना चाहेंगी? बॉबी जी आप सीरियस है? राज लाइफ में फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम। भूतनी को देखे बिना सीरियस हो गए? देखिए ना, अगर हमारी कुंडली में भूतनी ही लिखी है तो परी थोड़ी ही मिलेगी हमें। तो ठीक है, फिर हम भी सीरियस हो जाते हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। बाय। शर्म आ गई। चाय। हाँ तो कुछ कह रहे थे आप? हम कह रहे थे कि हमने एक जगह रिश्ते की बात की है राज के लिए, कल लड़के देखने चलना है। क्या इतनी बड़ी बात छुपा के रखे आप? कल जाना है और आज बता रहे? अरे कुछ तैयारी करके जाना होगा ना। बारात लेके जा रहे हैं। हाँ खाली अपने मन की चलाइएगा हमेशा। क्षमा कीजिए गलती हो गई, हमने होम मिनिस्टर को इन्फॉर्म नहीं किया। अब जाइए, जाकर अपने सबूत को इन्फॉर्म कीजिए, कल कोई काम ना रखे, जाइए। सही कहता है राज, हर वक्त अपनी वकालत झाड़ते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं कभी। मैंने बोला था ना रानी आपकी राज बेटा नहीं। तेरे पापा कह रहे थे कि कल हमें जाना है वहाँ। कल 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 हम बहुत बिजी हैं। यहाँ जाना भी तो जरूरी है बेटा। तो मम्मी हमारा वहाँ जाना भी तो जरूरी है। अब हमें कहाँ पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? अब हमें भी कहाँ पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? बहुत बहस करते हो तुम बाप बेटा, कान खींच डालूंगी। क्या बात है, कौन बहस कर रहा है? राज बेटा कभी तो बात मान लिया करो। देखो कल तुम्हारे जो भी प्रोग्राम है ना सबको कैंसिल करो, हमें लड़की देखने जाना है बस, ये फाइनल है। ठीक है चलो तैयार हो जा। ये सब साला रानी का चक्कर है। भाई एक बात बताओ, तुम्हारे बाबूजी हैं, वो तुम्हारा बुरा थोड़ी ना चाहेंगे। देख लो लड़की, का पता तुमको पसंद आ जाए। तुम जैसे लोग हैं ना वही मॉल में भीड़ जमा करते हैं, ये वाला दिखा दो ये वाला दिखा दो। जब हम एक लड़की को पसंद कर चुके हैं तो हम दूसरी लड़की को देखने क्यों जाएं? तुम पसंद कर चुके हो, पिछला एक महीने से मैसेंजर मैसेंजर खेल रहे हो, उसको देखे भी नहीं और तुम पसंद भी कर लियो, प्रभु कमाल हो तुम। ऐसे हंस का रहे हो तुम? क्योंकि हम उनको देख चुके हैं। देख चुके हो? सपना में देख चुके हो? सपना में नहीं देखे हैं, कल ही देखे हैं अपर बाजार में निशा जी के साथ। तुमको कैसे मालूम निशा जी के साथ जो लड़की थी बॉबी जी हैं? ओ CID बन रहे हो? हाँ तो इंटरोगेशन कर रहे हो हमारा? क्योंकि हम
उनको निशा जी के साथ पहले भी देख चुके हैं, लेकिन कन्फर्म कल हुआ। कि वही बाबी है, हमारी बाबी। तो आगे का करोगे? आगे? हाँ, आगे भी वही होगा जो पीछे होता आया है। प्रणाम क्या है? ये मेरी धर्मपत्नी है। प्रणाम प्रणाम संगड़ा प्रसाद जी। आजा बेटा, आओ 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 बेटा। ये संगड़ा प्रसाद तिवारी जी हैं। तिवारी जी, ये मेरे बेटा है। आइए आइए चतुर्वेदी जी, आइए आइए। मम्मी, मैं नहीं जाना, हम नहीं जा रहे। अरे क्या कर रहा है? चल। कमाल करते हैं आप भी प्रोफेसर साहब। बोलो। बिस्कुट। वकील साहब, मेरी बेटी उस कमरे में है। अगर कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कैसी बातें करते हैं आप प्रोफेसर साहब? अरे कचहरी थोड़ी है कि सवाल जवाब होंगे। अरे भाई, लड़का लड़की एक दूसरे को जान पहचान ले, बस हो गया। राज बेटा, जाओ अंदर जाओ। जाओ। अरे जाओ भाई, हैप्पी को ले जाएं। अरे जाओ तुम, हैप्पी को ले जाएं। जाओ। शर्माता है। अच्छा लड़का है आप। सारा परपंच करने की क्या जरूरत थी? साफ साफ बता देती अगर आपके मन में कुछ था तो। और हमको तो ताज्जुब है आपके बेअकल पापा पर। उनको पूरे झारखंड में आपके योग्य कोई भी सुयोग्यवर नहीं मिला जो हमको चुन लिया। वो अपने आप को जितना बड़ा अकलमंद समझते हैं ना, उतने ही बड़े बेवकूफ है वो। हमारे पापा एडवोकेट है, वकील है। दहेज के नाम पर इतना पैसा तानेंगे ना, इतना पैसा तानेंगे कि देते देते उनकी लंगोट तक बिक जाएगी। वैसे आप भी कुछ कम नहीं है निशा जी, कुमारी भाभी का तस्वीर दिखाते दिखाते खुद ही सामने आ गई जयमाला के हाथ में। लेकिन देवी जी, हम बता रहे हैं आपको, आप पछताएंगी पूरी जिंदगी हमसे विवाह करके, क्योंकि हम अव्वल दर्जे के शराबी कबाबी अय्याश टाइप के आदमी रोज पीटेंगे अपनी बीवी को। हमें तो आप पर दया आ रही है। वो तो हमारे पापा हैं, हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन वो आपके ये बेअकल पापा ऐसे हाथ जोड़ के खड़े थे जैसे कोई प्रोफेशनल भिखारी हो। भिखारियों की जात ही ना। क्यों बॉस, पछताएंगे हम? मैं बताता हूं। क्यों बेटा, मेरी बेटी बॉबी पसंद है तुम्हें? झांसी की रानी? क्या बात है। बेटा, आपको हमारा राज पसंद है? जी। तो बन गई बात। हाँ।
भाई हम बाप, हमने वही किया जो हमारी इकलौती औलाद चाहता था, लव मैरिज। आपने किया? अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा ना ये सब कैसे हुआ? हाँ। अरे बिल्कुल सिंपल है, ये फेसबुक का कमाल है। फेसबुक। वैसे प्रोफेसर साहब, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर आप बुरा ना माने तो बताऊं। क्या? देखिए आजकल ये फेसबुक का बड़ा चलन है। फेसबुक? अगर अपनी ये बॉबी बिटिया है, ये मेरे राज को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे फेसबुक पर, राज उसको एक्सेप्ट करेगा, दोनों फेसबुक के फ्रेंड बन जाएंगे। वकील साहब। करेक्ट, आपको करेक्ट पता। देखिए आप मेरे घर आइए और राज का आईडी बताइए, फोटो दिखाइए, मैं बॉबी बिटिया को बोलता हूँ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे। फेसबुक वाला प्यार है ये। उनको पता भी नहीं चलेगा। ये देखो मस्त लागे तेरी जवानी, मस्त तेरा फिगर, मच जाने दे गदर। अरे काहे छोड़े लंबी चौड़ी, नाप ले तेरी डगर, वरना मरेगी मेरी मदर। अपने हुस्न पे इतराने वाली देख ले इधर, अरे देख ले इधर, जरा देख ले इधर। अरे छेड़ेंगे तुझको सारी उम्र, सेक्सी लागे तेरी कमर। हाँ दिल की लोबी में करने भी दे तू मुझको थोड़ा थोड़ा सफर। आगे न बढ़ना दूर रहना, गंदी लागे तेरी नजर। रंग तेरा मस्ताना बना दे सबको दीवाना, रूप रंग मेरा मस्ताना बना दे सबको दीवाना। रूप रंग तेरा मस्ताना बना दे सबको दीवाना, रूप रंग मेरा मस्ताना बना दे सबको दीवाना। देखने में दूर तू भी हैंडसम है, तेरा लेकिन तुम है। हाई हील का शौक बड़ा है, लड़खड़ा के चलती है, बातें तेरी अंग्रेजी पर अंदर से तू देसी है, अंदर से तू देसी है। हाई रूप रंग तेरा मस्ताना बना दे सबको दीवाना, गोरा गोरा मुखड़ा चमके मुंह पे क्या लगाती हो, दिन में आधे दिन से ज्यादा ब्यूटी पार्लर जाती हो। अरे बातों का स्टाइल तो देखो, हीरो बन नहीं सकते हो, दूर दूर तक शक्ल न सूरत पूरे मिलने लगते हो, पूरे मिलने लगते हो। रूप रंग तेरा मस्ताना बना दे सबको दीवाना, रूप रंग मेरा मस्ताना बना दे सबको दीवाना। रूप रंग तेरा मस्ताना बना दे सबको दीवाना। चक्कर 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 चक चक चक्कर 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 घूम घूम चक्कर 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 चक चक चक्कर 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 घूम घूम चक्कर। मेरे ख्वाबों की मलिका मिलोगी कब मुझे, मेरे ख्वाबों की मलिका मिलोगी कब मुझे। कर दीवार कोई सुझे ना मुझे, खाली मिली गली गली में ढूंढू मैं तुझे। कर दीवार कोई सुझे ना मुझे, हो हो हो, खाली मिली गली गली में ढूंढू मैं तुझे। मेरे खा
ख्वाबों की मलिका, मिलोगी कब मुझे मेरे ख्वाबों की मलिका, मिलोगी कब मुझे ख्वाबों की मलिका, मिलोगी कब मुझे मेरे ख्वाबों की मलिका, मिलोगी कब मुझे। आ रहा हूँ सहेली कितना भाव खाए, हम तेरे खातिर पीछे फिर भी चले आए। रा पा 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 रा पा रा रा रा। कब दिन बीते रात छा जाए, सुबह का सूरज शाम चाय पीके जाए, इस पहली